हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्राचित सॉल्ट। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड आज मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और थोड़ी बहुत लड्डू की मस्तियाँ। तो रेसिपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ मीठा है। आज मैंने बनाया है बादाम के लड्डू, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी वो देखें, तो मैंने वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया है। बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था, तो अब फाइनली मैंने बनाया है लड्डू एंड आई होप आप लोग भी ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो आप ऑलरेडी देख रहे हो ये, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने ब्लॉग की तरफ। तो अब बना रहे हैं हम लोग बादाम का लड्डू। बादाम के लड्डू के लिए हमें बादाम चाहिए। मैंने लिया है हाफ के जी का बादाम, है ना, ये हाफ के जी मैंने बादाम ले लिया। बादाम क्या मतलब कि मूंगफली ले लिया है। तो मैं इसे क्या करूँगी, अभी रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। तो मैं बस इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी मैं, ताकि इसके जो कवर है वो इजीली निकल जाए। कैमरा बहुत हिल रहा होगा क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा है और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूं। सो गाइस, मैं ये लड्डू इसलिए बना रही हूँ, ऐसा मेरे कुछ स्पेशल खाने का मन तो नहीं है, बट मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ उन्होंने मुझे कुछ दिया था स्पेशल, तो इन रिटर्न अब मुझे टिफ़िन में कुछ भर के देना है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं लड्डू ही बना के दे दे रही हूँ और अभी मुझे एक घंटे के अंदर ट्यूशन निकलना भी है, तो मैं आज लड्डू बना रही हूँ उनके लिए स्पेशली। और थोड़ा सा घर में मीठा रहना भी चाहिए, तो लड्डू को भी पसंद है और हम तीनों को ही पसंद है, तो इसको हीट अप कर रहे हैं। और गाइज, ये ऑलरेडी रोस्टेड मैंने मूंगफली ली है क्योंकि यहाँ पे कोयम्बटूर में ये रोस्टेड ही आती है, इसलिए इसके बहुत सारे छिलके छोटे छोटे हैं। अगर आप लोग कच्चे बादाम ले रहे हो, मतलब कच्चा मूंगफली ले रहे हो, तो आप उसे अच्छे से डीप रोस्ट कीजिए। मैं तो बस लाइट कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी छूट ही रहे हैं, इसके दाने आप देख सकते हैं छिलके छूट रहे हैं। तो बस मैं इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी जिससे कि ये ईजिली निकल जाए एंड फिर मैं करूँगी इसे ग्राइंड। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने इसे लगभग 1 मिनट के करीब रोस्ट कर लिया है क्योंकि इसके कवर छूट जाएंगे, छिलके छूट जाएंगे, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये पहले से ही हुआ ही था। बट मैंने मिक्स्ड यूज़ किया है, कुछ मेरे पास पहले से थे, कुछ पैकेट में बंद थे, तो मैंने इसलिए दोनों को ही मिक्स करके रोस्ट कर लिया है। आप लोग भी रोस्ट करके ही कीजिएगा, अगर मार्केट से रोस्टेड है तभी भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, 1 मिनट का टाइम लगता है यार, बट टेस्टी बनेगा, मुझे तो टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं इसे हाथों से ऐसे रब करके इसके छिलके निकाल लूँगी, ये छूट जाते हैं बहुत इजीली, तो मैं इसे बस छिलके को निकाल दूँ। आप लोग भी ऐसे छिलके को निकाल सकते हैं। मैंने इन सारे मूंगफलियों को छुड़ा लिया है जितना हो पाया मुझसे एंड इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। बस हमें इन सबको डाल के ग्राइंड करना है और कुछ भी नहीं, तो बस ग्राइंड करते हैं सारे को डाल के। सो मैंने इसमें भी थोड़े से मूंगफलियों को डाल दिया है, थोड़ा सा बस मेरा बचता है, तो मैं एक बार इसको ग्राइंड कर लूँगी, स्पेस बचेगा तो हम वापस करेंगे क्योंकि एक बार ही सारा डाल देंगे तो वो हो नहीं पाएगा इजीली। तो पहले मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर बीच में मैं इन्हें भी ऐड कर लूँगी इसमें ही। तो बारीक हो गया है बट हमें और थोड़ा सा पीसना है, तो इसमें हम और थोड़ा सा जो बचा हुआ बादाम है, मतलब कि मूंगफली है, उसे डाल सकते हैं। बिहार में हम लोग इसको भी बादाम ही बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में आलमंड को बादाम बोला जाता है। तो मैं ये ग्राउंडनट्स डाल रही हूँ इसमें, यानी कि मूंगफलियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता अब कोई कोई इस पर भी ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं भी ऐसे नहीं बोलते, तो पता नहीं, मैंने तो इसे बादाम ही सीखा है, बादाम बोलने पर हम लोग समझ भी जाते हैं बट जनरली आलमंड्स को बोलते हैं, तो मूंगफली बोल सकते हैं। और कोई नाम है तो आप लोग बताइएगा, मैं भी सीखूंगी कि क्या बोलते हैं इसको कहाँ कहाँ पे। तो फिलहाल तो ये मेरा सारा इसमें आ गया, बस अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी।
स्वेटर है वो कुछ ऐसा हो चुका है और थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है क्योंकि इनमें भी ऑयल होता है, तो मैं बस इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई मतलब आप लोग देख सकते हैं आगे मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने अब कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, बस हमें लिटिल मतलब कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा करना है। क्योंकि गाइज ऑलरेडी जो ये ग्राउंडनट्स होते हैं उसमें ऑयल होते हैं, इनका खुद का भी ऑयल होता है, तो मैं इसमें बहुत मिनिमल घी यूज़ कर रही हूँ। तो घी थोड़ा सा गर्म हो ही गया है, अब मैं इसका बैटर जो है इसमें डाल के थोड़ा फ्राई करूँगी। थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है बट मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, तो बस मुझे इसमें ऐड करना है शुगर एंड मुझे ऐड करना है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये बाइंड करने के लिए तैयार है, तो मैं इसे थोड़ा सा और सुखा ले रही हूँ ताकि मेरे लड्डू जो हैं थोड़े हार्ड बने, मतलब उतने हार्ड भी नहीं बट थोड़ा लड्डू जैसा लगे या ये नकली पेड़ा जैसा लगे। इसे बस थोड़ा सा और ड्राई कर लिया ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है ऑयल है वो थोड़ा सा इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। और ये बहुत जल्दी बनता है, ये वीडियो भी शायद शॉर्ट ही होगा, तो 15 मिनट्स के अंदर तो आपके लड्डू पूरे ही तैयार हो जाएंगे। तो बस मैं इसको ऑलमोस्ट सूखने सूखने हो गए, शुगर डालने पे ये वापस से थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तो मैं शुगर ऐड कर देती हूँ अभी ताकि ये फ्राई हो जाएगा। मेरा ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून तो नहीं, मैं दिखाऊंगी मैं किस चम्मच से डाल रही हूँ, तो मैं इस चम्मच से डाल रही हूँ। आप लोग पाउडर बना के भी डाल सकते हैं बट मैं ऐसे ही प्रीफर करती हूँ। अब ये भी थोड़ा सा गीला होगा बट मैं इसको भी भूनूंगी। इसको लो फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं जाए, वरना बादाम तो बहुत जल्दी भून जाएगा लेकिन ये पूरा ही जल जाएगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जले, आप में से किसी का भी ख़राब बने फिर आप लोग मुझे बोलो कि दीदी क्या बनाया आपने कैसा बनाया। तो शुगर इसमें ऑलमोस्ट अब्सॉर्ब हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी बारी है मेरे फेवरेट पार्ट ड्राई फ्रूट्स की, तो मैं इसमें थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ एंड थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि किशमिश मेरा फेवरेट है, तो थोड़ा ज़्यादा, तो बस इतना काफ़ी है। अब देखते हैं इसमें कितने लड्डू बन जाते हैं हमारे लिए, तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा एंड फिर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है क्योंकि ये उतना चिपचिपा भी नहीं है एंड बाइंड होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट ये बहुत गर्म होगा तो अभी आप लोग मत बाइंड करना, थोड़ा सा रेस्ट करके और थोड़े से सुम मतलब गर्म में ही करना है इसे बाइंड। ये नहीं कि आप लोग छोड़ दो फिर लास्ट में हो जाएगा बाइंड, नहीं वो नहीं हो पाएगा उतने परफेक्टली, तो इसको थोड़ा सा थोड़े देर रुक के 5 या 10 मिनट आप इसे बाइंड कर लो। तो ये लड्डू का बैटर मैंने छोड़ दिया था इसे गर्म हो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, नॉर्मल नहीं थोड़ा गर्म ही है अभी भी एंड
थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी है ये, बट अगर आप इसे पूरा बारीकी से ग्राइंड करेंगे तो ये स्टिकी नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, ये स्टिकी नहीं होगा। एंड आप इसे गोल 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 करके कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे बना के एंड कमेंट कीजिए कैसी बनी। एंड अगर अच्छी बनी तो आप लोग वापस आइए मेरे ब्लॉग पे एंड बताइए कि कैसे बन रही है, अच्छी लगी या नहीं लगी। एंड हमारे चैनल को खूब सारा प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लड्डू दो। Switch on the light, please. Little please switch on the light. I will give you. Take.